अमरीकी पड़ेही खाते के काउंसलर डेरेक शोले आला अहदेदार बधल वफद से गड सत का 9 सेप्टेम्बर ताई इस्लामाबाद कराची जो दौरो किया। वफद में अमरीकी पड़ेही खाते दिफा आलमी तरक्की बाबत अमरीकी एजेंसी ए कौमी सलामती बाबत व्हाइट हाउस के काउंसिल जहा आला अमलदार शामिल हुआ। अमरीकी पड़ेही खाते के काउंसलर वफद पाकिस्तान में आला हुकूमती अमलदार सिविल सोसायटी के नुमाइंद निजी शोबन के सरबराहन से मुलाकातू कय जै दौरान बिन्हीं मुल्क विच में सिफारती लागापन के 75 साल पूरा थियण की खुशी मल्हायण समेत गडल मुफादन सहकार बधायण से जोर भर वो। सिंध सूदो पाकिस्तान के बेन सूबन में बोर सबब आयल तबाही बहरान के मुंह दींदड़ आवाम से बधी जो इजहार किया। उन मौके से अमरीकी काउंसलर शोले पाकिस्तान जो तामीरी दौरों करण बिन्हीं मुल्क विच में लागापन के 75 साल पूरा थियण के जश्न जो हिस्सो बणजण मुलाए फख्र जोगी गाल है। अमरीका पाकिस्तान में ॾहाकन से बधल सहकार तोड़े मजबूत भाईवारी कायम है जै का अमरीका व्यापार सीड़पकारी तवानाई सेहत सलामती तालीम बेन शोबन में पाकिस्तान से लागापन के तरजीही बुनियाद से मुस्तहकम बनाण घुरे तो। काउंसलर शोले पाकिस्तान में मुलाकात दौरान अमरीका तरफा सिंधी बलोचिस्तान सूधो बेन सूबन में बोर सबब बड़े पैमाने से थियल तबाही से अफसोस जो इजहार किया जैं तो उन बोर मुतासरन से हमदर्दी जो पिण इजहार किया जिनका प्यारा बोर में विछड़ी वा जियापे के समूरन वसीलन सूधो घर तबाह थी वा। उन पाकिस्तान के पड़ेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में अमरीका तरफा बोर मुतासरन की इमदाद लाए जारी कल 5 करोड़ 31 लख डॉलर से गाल बोल कई जैमें बोर की तबाही के मुंह दियण मुतासरन की सहायता लाए 30 लख डॉलर का जारी कल 5 करोड़ 1 लख डॉलर से इजाफी माली इमदाद शामिल है। उहा माली इमदाद आलमी तरक्की बाबत अमरीकी एजेंसी यूएसएड जरिए मुहैया कई वही है जैसा पाकिस्तान में बोर मुतासरन लाए हंगामी तौर घुर्बल इमदाद मुस्तबिल में कुदरती आफतन तोड़े माहौलियाती तब्दीली के असरन के मुंह दियण लाए मदद मिली सकती। अमरीकी काउंसलर शोले इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करे बतरफन लागापन के सघारो बढ़ाण समेत व्यापार सीड़पकारी माहौलियाती तब्दीली सेहत के शोबन में सहकार से गाल बोल कई। मुलाकात में काउंसलर शोले सेहत के शोबे में बिन्हीं मुल्क की भाईवारी खसूसी तौर अमरीका तरफा पाकिस्तान के कोरोना वैक्सीन जा 7 करोड़ 70 लख डोज इमदाद तौर दियण समेत बेन खिदमत के उजागर किया। नाणे के वजीर मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात में अमरीकी काउंसलर शोले पाकिस्तान की मुआशी सलाहियतन सीड़पकारी की अहमियत से गाल बोल कर नौजवान की सलाहियतन खिदमतन में फायद वठण से जोर भर। उनखा सवाए सुणार धुरन सिविल सोसायटी के नुमाइंद तरफा गाल बोल दौरान अमरीकी काउंसलर शोले के पाकिस्तान में जमहूरियत की वादवेज पुठते पियल आबादी की साड़ लहण औरतन के पाण भरो करण के हवाले से पैं किरदार बाबत आगाही दिनी वही। अमरीकी काउंसलर शोले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात दौरान पाकिस्तान में बोर्ड वाली सूरत हाल में अमरीकी मदद के मौकन पाक आर्मी सिक्योरिटी सहकार बाबत ख्याल की देवट कई। कराची के दौरे दौरान अमरीकी काउंसलर शोले सिंध वे वजीर मुराद अली शाह से मुलाकात कई जै दौरान पाकिस्तान अमरीका तजारती भाईवारी बढ़ाण सूधो गरियल तरजीही मामलों से गाल बोल थी। मुलाकात दौरान सिंध में बरसात बोर्ड के वहकर सबब वे पैमाने से थियल तबाही मासूम बारन सूधो बोर सेटलिन जो बुनियादी जरूरतों पूरियों करण लाए अमरीका के किरदार के ख्यालन की डेवट पिण कई वही। कोटड़ी में बोर्ड मुताश